नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को 2024 के चुनाव से ठीक पहले लाल किले पर 10वीं बार संबोधन के समय में देशवासियों को मेरे प्यारे देशवासियों के बदले मेरे प्यारे परिवारजनों से संबोधित किया और लगातार बार बार वो परिवारजनों ही कहते रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने ट्वीट किया तो देश को परिवार ही कहा। प्रधानमंत्री अपनी लकीर बड़ी करते नजर आ रहे हैं और यही विपक्ष की सबसे बड़ी पीड़ा है। जब भारत के प्रधानमंत्री एग्जाम वॉरियर्स छात्रों को संबोधित करने लगते हैं, उनके बीच चले जाते हैं, तो विपक्ष उसे भी मुद्दा बनाता है। जब भारत के वैज्ञानिकों के बीच वो जाते हैं, तब जब चंद्रयान 2 फेल हो जाता है और फिर इसरो प्रमुख, तब के इसरो प्रमुख शिवम जी को वो गले लगाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, तो विपक्ष उसका भी मजाक उड़ाता है। भाला फेंक कर दुनिया में भारत का नाम गौरव करने वाला, सबसे दूर सबसे बड़ा विश्व विजेता बनने वाला नीरज चोपड़ा जब अंग्रेजों के प्रभुत्व को खत्म करके भारत को नई ऊंचाई दिलाता है, प्रधानमंत्री मोदी उससे बात करते हैं, मजाक उसका भी उड़ता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जब अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो प्रमुख को फोन करके उन्हें बधाई देते हैं कि आपका नाम ही सोमनाथ है, उसका मतलब ही चंद्रमा होता है, तो मजाक तब भी उड़ता है। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। उन्हें फोटो फ्रेम में रहने की बात कही कहने लगते हैं। जब प्रधानमंत्री की तरफ से देश की बहनों को यह कहा जाता है कि 200 रुपए गैस के सिलेंडर कम कर दिए गए, उज्ज्वला की महिलाओं के लिए 400 रुपए, तब भी विपक्ष उसे हल्के भी लेता है। यही कारण है कि मोदी अपनी लकीर बड़ी करते जाते हैं, कांग्रेस और पूरा विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है। दरअसल वो मोदी को पहचान ही नहीं पा रहा। मोदी को पहचानने के लिए मोदी के अतीत में जाना चाहिए। मोदी के लगातार सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले खैरात के लिए पत्रकारिता करते करते गुजरात में दंगे को भी आग फैलाने के मामले में कुख्यात रहे पत्रकार राजदीप सरदेसाई किताब लिखकर मोदी भजन गाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अवसर नहीं दिया तो राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो अभी वायरल हुआ। राजदीप प्रधानमंत्री मोदी के उस दौर को याद करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भी मुख्यमंत्री नहीं थे। आज लोग कहते हैं कि चुनावी चाणक्य हैं अमित शाह। अमित शाह के गुरु हैं नरेंद्र मोदी। अमित शाह का पूरा पॉलिटिकल करियर ही ऐसा लगता है कि मोदी के नाम समर्पित है। देश का गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा भक्तिभाव रहे, ऐसा आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। जो नेहरू और पटेल के बीच टकराहट बाद के दौर तक दिखा, वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री के बीच की ट्विनिंग जबरदस्त दिखाई देती है। अमित शाह के लिए कहा जाता है कि अमित शाह चुनावी चाणक्य हैं, अमित शाह मोदी की ताकत हैं। दरअसल अमित शाह ये गुर ही अपने गुरु नरेंद्र मोदी से सीखे हैं। अब देखिए कि राजदीप सरदेसाई कह क्या रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। तब की बात जब वो गुजरात में चुनाव जिताया करते थे और फिर उसे किस रूप में करते थे, जरा मोदी के घोर विरोधी राजदीप से ही सुन लीजिए। मोदी जी उस जमाने में पटेल डोमिनेटेड गुजराती पॉलिटिक्स में एक तरह से ओबीसी नेता की तरह जाने जाते थे। मुझे अभी भी याद है 1995 में
जब बीजेपी पहली बार गुजरात में जीती थी, छोटा सा ऑफिस था उनका खानपुर में, मोदी जी बाहर बैठे थे, खाकरा खा रहे थे, बड़े नेता बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला, केशु भाई पटेल, सुरेश मेहता अंदर की रूम में बैठे। जी, ये राजदीप सरदेसाई जो जाने ही जाते हैं अपने आप को मोदी विरोध के कारण, चूंकि प्रणय राय की नौकरी करते थे और प्रणय राय का अपना एजेंडा था सोनिया गांधी के लिए, इसीलिए गुजरात को कुख्यात करने में इन सब की बड़ी भूमिका थी। आज राजदीप वो तस्वीर बता रहे हैं जो सच में मोदी की तस्वीर है। मोदी ने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति को समर्पित कर दिया। 24 आवर पॉलिटिक्स करने वाले मोदी देश के एकमात्र राजनेता रह गए। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो मोदी के उस तस्वीर के भी एक पहलू को देखिए कि जब इसरो ने चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया था, जब वो छोड़ा गया था, भले ही वो आगे जाकर के वो सफल नहीं हो पाया, तब नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इसरो के वैज्ञानिकों को बुलाया था और कहा था कि मैं चाहता हूं आपका अतिथि हूं। उसका छोटा सा अंश जरा सुन लीजिए, तब समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में जो इसरो का वो सम्मान कर रहे हैं, दरअसल वो गुजरात के मुख्यमंत्री के अंदर क्या भाव था। मित्रों, मैं तो अपनी खुशी जताने के लिए आया हूं। पहले मेरा मन करता था कि अगर अनुमति मिले तो हम भी हरिकोटा जाकर के देखें कैसे हो रहा है। बाद में मैंने सुझाव दिया था कि कुछ जो होनहार विद्यार्थी हो उनको गुजरात सरकार की तरफ से हम भेजें, वो देखें इन चीज़ों को, लेकिन वो भी हम वर्कआउट नहीं कर पाए। पर आखिर एक ही रास्ता बचा था, सुबह हम टीवी पर बैठे और देखते रहे कैसे जा रहा है। और बाद में आज मेरी कैबिनेट मीटिंग थी, नॉर्मली कैबिनेट में एजेंडा के काम होते हैं, लेकिन अब हमने एजेंडा से हट करके गुजरात सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है आप सबको बधाई देने के लिए। देश के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो बाद में मैंने यहां फोन किया, मैंने कहा मैं खुद आकर के मेरी सरकार ने जो प्रस्ताव किया है वो भी आपको देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और तब मुझे इतना ही था कि मैं आऊँगा चैम्बर में, रामतत्वरतन जी को और दो चार मित्रों को मिलूँगा और फिर जाऊँगा, लेकिन ये तो जैकेट का कोट हो गया। मुझे अच्छा लगा इतने कम समय में आप सबको बधाई देने का मुझे अवसर मिला। मतलब बड़े मन से अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद उसे व्यक्त करना बस इसलिए आया हूं, क्योंकि एक वैज्ञानिक इन्हें वे तपस्या करता है। मैं जब आया था राष्ट्रपति जी के साथ, अब्दुल कलाम जी के साथ, तो छोटी छोटी चीजें बारीकाई से सब मुझे रामदत्तन जी बता रहे थे। उस कैमरा का भी जिक्र उस समय हुआ था, उसके वेट की चर्चा हो रही थी, वेट ज़्यादा ना हो जाए उसका टेंशन चल रहा था। वो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत याद थी कि किस प्रकार से काम हो रहा है। मित्रों, इस स्पेस साइंस में गुजरात गौरव करें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्होंने सपना देखा था, और यही एक छोटी सी कॉलेज एमजी साइंस जिसके कमरे में सबसे पहले क्रांत प्रारंभ हुआ था 1960 में, और बाद में 75 में सिग्नल टेस्टिंग का एक सफलता मिली थी हम लोगों को, और शायद उसके बाद इसी भवन से
एक पहला सो 2,000-2,500 गांवों को संपर्क करने वाली एक व्यवस्था हमने सबसे पहली विकसित की थी और पीच को लेकर के अपना एक सेंटर चलता था। तो ये सारी चीज़ें उसका एक प्रकार से प्रारंभ बिंदु यहाँ पर रहा। और आज दुनिया के उन 6 देशों में हम भी एक हो गए जो इस साहसपूर्ण काम को करने जा रहे हैं। मित्रों, मुझे याद है मैं जब छोटा था और ये सब सारी चीज़ें होती थी तो हमारे यहाँ ऐसा पढ़ने के लिए मिलता था लोग भूखे हैं और ये खर्चे हो रहे हैं, ऐसी भी चर्चा होती थी हमारे देश में। रास्ते तो बने नहीं और चंद्रमा पे जाने के लिए सपने देख रहे हैं, ये आलोचना होती थी। क्या जरूरत है सारी चीज़ों की? और सामान्य मानवीय चर्चा करें बहुत स्वाभाविक है कि उसको अंदाज नहीं होता है कि इन चीज़ों से क्या होता है। मित्रों, आज एजुसेट ने क्या कमाल करके दिखाई है, और मैं तो गुजरात सरकार खुद एजुसेट का जिस प्रकार से उपयोग कर रही है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम का जिस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं, इवन मेरे यहाँ मछुआरों को भी आपकी मदद से इतना फायदा हो रहा है। आपने जो सैटेलाइट पर काम करवाए उसके कारण मैं मछुआरों को बताता हूँ, यार तुम बाई और मत जा, दाहिनी ओर जा, वहाँ कैच है। तो उसका ना डीजल का खर्चा होता है, ना समय बर्बाद होता है, उसको कैच मिल जाता है, वो अपना 2-2, 3-3 दिन के बाद पहले घर लौटता था, अब 4 घंटे में वापस आ जाता है कैच पकड़ करके, परिवार के साथ रहता है। यानी विज्ञान का उपयोग गरीब से गरीब आदमी के लिए कैसे हो सकता है? और तब जा करके ये सिर्फ दुनिया के देशों में नाम कमाने के लिए नहीं है, ये विज्ञान सामान्य से सामान्य मानवी की जिंदगी को प्रभावित करता है। मित्रों, जब साइंटिस्ट इस कामों को करता है तब उसे एक साधना होती है, एक तपस्या होती है, वो अपना लगा रहता है, उसको एक साइंटिफिक विजन होता है, वो करता है। लेकिन जन सामान्य को उसकी क्या अनुभूति होगी, उसका क्या आनंद होगा, शायद कभी कभी वो भी उससे अछूता होता है। जैसे कभी होता है कि एक बड़ी होटल के अंदर खाना पकाने वाला खाना पकाता है लेकिन बधाइयां परोसने वाला लेता रहता है। खाने वाले को पता तक नहीं होता है कौन है अंदर जिसने पकाया है, इतनी मेहनत की है। और जो वेटर होता है जिसको सबको बाहर, भाई बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ये ठीक बना है, फलाना अच्छा। मित्र, आप लोग तपस्या करते हैं, बधाइयां हम ले रहे हैं। नीचे अगर किसी को लाभ मिलता है, वो मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया। वैज्ञानिक की ये तपस्या होती है मित्रों, और ये तपस्या आप लोगों ने की है। जितना मैं थोड़ी बहुत रुचि लेता हूँ, चीज़ें अच्छी होती हैं तो मैं साइंटिफिक टर्म में तो दुनिया को नहीं जानता हूँ, लेकिन एक कॉमन मैन की तरह तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि हम 15 दिन में अपना अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुँचे। सर 15 दिन लगेंगे, इट विल टेक 15 डेज। तो मेरे मन की एक इच्छा है, जैसे मैं आज बधाई देने आया हूँ, मैं एक निमंत्रण देने भी आया हूँ। जिस दिन हम वहाँ पहुँच जाए फिर तो वो अपना रूटीन काम करेगा, 1.5 साल तक वो आपको रोज फिर डेटा आया नहीं आया, फोटो आया नहीं आया, एनालिसिस करना है, सब तीन वाला मामला। तो तो मैं चाहता हूँ कि एक शाम आपके नाम, मैं चाहता हूँ कैंपस आप तय करें, जहाँ भी सुविधा हो पूरा इसरो पूरा, और पुराने भी लोग हैं उनको भी बुलाइए सर। जहाँ भी ठीक लगे, और मुझे क्या करना है इतना बता दीजिए, आप मेरे आप ही की जगह पे होंगे लेकिन आप मेरे मेहमान होंगे उस दिन। और एक इवनिंग बड़े शान से मनाए हम, साथ में खाना खाएंगे। तो मैं ये निमंत्रण देने आया हूँ आपको।
मित्रों, मैं इस घटना के आनंद को अनुभव कर सकता हूं। मुझे मालूम है आज क्या हुआ है देश के जीवन में, विज्ञान के जीवन में, और इसका आने वाले दिनों में कितना परिणाम होने वाला है इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। और इसलिए खुशी जताने के लिए आपके बीच आपकी खुशी का एहसास करूंगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी। आज इसरो की सफलता के बाद क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भाव रखा है? ऐसा लगता है कि इसरो के प्रमुख ने जब अपने आप को घोर सनातनी और भारतीय ज्योतिष शास्त्र से पूरे विज्ञान को जोड़ा तो लोग उससे नफरत करने लगे, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल। यही मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करता है। और आज प्रधानमंत्री के रूप में जो लोग नरेंद्र मोदी को ये भाव देखते हैं, उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री या उससे पहले के मोदी को पहचानना चाहिए। मोदी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करते एक कवि जो कुछ कह रहा है उसे सुनना चाहिए। केशु भाई से बोले खुराना, हाय राम मोदी का है जमाना, हाय राम मोदी का है जमाना, नामुमकिन है इसको हटाना, हाय राम मोदी का है जमाना। कुछ पंक्तियां जो अभी लिखी गई, बहुत अच्छे। षड्यंत्र कोई भी नहीं काम आया, कदम इनके कोई नहीं रोक पाया, झड़पिया ने भी जाल अपना बिछाया, वाघेला ने भी जोर पूरा लगाया, चूका लेकिन सबका निशाना, अरे चूका लेकिन सबका निशाना, हाय राम मोदी का है जमाना, है पास इनके हर दर्द का बाम, देखो किया कितना तगड़ा ये एक काम, देखो अकेले के दम पर है बाजी जिताई, एएमसी इलेक्शन का परिणाम देखो, सीखे कोई इनसे जिताना, अरे सीखे कोई इनसे जिताना, हाय राम मोदी का है जमाना। चार पंक्तियां बहुत अच्छी, जो कुछ दिन पहले लिखी गई थी। हम सरस्वती के साधक, और आपने सरस्वती नदी में जिन धारा बहलाई, पुनर्जीवित किया सरस्वती को, तब कुछ पंक्तियां। किया जो भी वादा वो करके दिखाया, लोग कच्छ और भुज में भी पानी पहुंचाया, किया जो भी वादा वो करके दिखाया, है कच्छ और भुज में भी पानी पहुंचाया, शहर सिद्धपुर में एक तीर्थ बनाया, सरस्वती नर्मदा का संगम कराया, ये कलयुग का भगीरथ सयाना, अरे ये कलयुग का भगीरथ सयाना, हाय राम मोदी का है जमाना। इसलिए क्योंकि उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और भले ही हो सकता है कि कवि क्या कुछ कह रहा हो, लेकिन ये कवि और इतिहासकारों उस समय के लिखी हुई चिट्ठियां, उस समय की लिखी हुई कविताएं उस काल को बताता है कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद से उन्होंने अपनी लकीर कैसे बड़ी कर ली। दरअसल जब आप अपने किसी भी काम में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तभी आप मोदी बन पाते हैं, सच ही है। मोदी और योगी बनने के लिए आपको तपना पड़ता है। दरअसल विपक्ष उनका मजाक उड़ाकर, उनके कामों का मजाक उड़ाकर अपनी इनकी लकीर छोटी करना चाहता है। मोदी की लकीर छोटी करते करते वे खुद छोटे होते जा रहे हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं लग रहा। आज पूरा जिस इंडिया गिरोह जो बना है, जो गठबंधन बना है, उसे मोदी घमंडिया गिरोह कहते हैं। उसमें हर कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए पागल बना हुआ है। नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव, जो उंगली पर गिनने लायक विधायक जिनके पास नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पागल बने हुए हैं। और जिस मोदी को इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है,
उसका मजाक उड़ाते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि इस नरेंद्र मोदी ने छात्रों के बीच जाकर क्या कुछ किया। आज से 8-9 साल पहले जब एग्जाम वॉरियर चलाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तब जो 9 साल पहले जो 12वीं के बच्चे थे, आज बड़ी संख्या में वो वोटर हो चुके हुए हैं। दरअसल सच ये है कि मोदी जहां पर जाकर खेलते हैं, विपक्ष उसकी कल्पना नहीं कर पाता। आज भारत दुनिया में जो अपना विस्तार कर रहा है, आर्थिक ताकत से लेकर सामरिक शक्ति जो भारत की बढ़ रही है, विज्ञान में जो भारत की सफलता हुई है, उसमें निश्चित रूप से वैज्ञानिकों की भूमिका है, भारत के अर्थशास्त्रियों की भूमिका है, भारत के मजदूरों, भारत के किसानों की भूमिका है, लेकिन नेतृत्व मायने रखता है। नेतृत्व वो जिसे देश स्वीकार करे। तो मोदी रातों रात कोई मोदी नहीं बनता, मोदी ने इन तमाम चीज़ों से साफित कर दिया है। मुझे लगता है कि इस विश्लेषण के माध्यम से हम उस निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश कर पाए कि मोदी एक दिन में नहीं बनता। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह वर्धन होता है, आपके लाइक और शेयर करने से हमारी टीम की ताकत बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।